नमस्कार मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पे और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम ये तैतीस हजार वोल्ट वाला कार्यक्रम है जो हरियाणा के सियासी मूड मिजाज और सियासी गर्मी को नाप तोल रहा है जी हां ये पब्लिक थर्मामीटर है ये सरकार के तीन साल पूरे होने वाले हैं अक्टूबर में हमने कहा जरा उसके पहले एक बार ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंक कर देख लो कि वेव्स यानी तरंगे कितनी पैदा होती हैं और कहाँ कहाँ हो रही हैं सेनापति हर खेमे में लगभग तय हो चुके हैं और इसलिए इस वक्त माहौल मूड और मिजाज क्या है हरियाणा का ये समझना बहुत ही रोचक हो गया है और बिना देरी के हम शुरू करते हैं पब्लिक थर्मामीटर और एक एहतियातन मैं अक्सर ये कहता हूँ हर बार कह रहा हूँ कि ये वाला शो अगर कोई नेता देख रहे हों अगर दिल कमज़ोर है तो मत देखिए और अगर देखते हैं बीपी के पेशेंट हैं और ना भी हैं तो एहतियात बरतिए एक गिलास पानी और बीपी की गोली साथ रखिए तो आइए शुरू कर रहे हैं पब्लिक थर्मामीटर और आज पब्लिक थर्मामीटर में हम उस जिले की बात करेंगे जो है तो छोटा जिला तीन हलके हैं लेकिन यहाँ नेता बड़े छोटे मिला के तैतीस हैं जी हाँ मौजूदा सरकार में एक तो मंत्री भी हैं एक वहाँ के एक पार्टी विशेष के पूर्व अध्यक्ष भी हैं चलिए छुपाना और ये क्या करना ये फतेहाबाद की बात कर रहे हैं तीन हलके हैं लेकिन यहाँ तैंतीस नेता हैं और सब एक से बढ़कर एक कई बार ज़्यादा नेता हो जाए वो भी मुश्किल का बहुत बड़ा कारण होता है बहरहाल फतेहाबाद से चर्चा के लिए आज कई खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं पहले उनसे आपका परिचय करा दें बीजेपी की तरफ से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं अशोक जाकर साहब जिला सचिव है बहुत बहुत स्वागत है कांग्रेस की तरफ से आनंदवीर खेड़ा जी हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका आई uh, एन की तरफ से कुणाल करण सिंह जी हैं बहुत बहुत स्वागत है जे जे पी की आवाज़ बुलंद करेंगे सुरेंद्र लेगा साहब बहुत बहुत स्वागत है और आम आदमी पार्टी की आवाज़ बुलंद करेंगे लक्ष्य गर्ग साहब बहुत बहुत स्वागत है और इस पूरी चर्चा को फतेहाबाद की ज़मीनी हकीकत क्या है और वहाँ क्या गुणा भाग चल रहा है वो समझने और समझाने के लिए हरदीप सिंह जी हैं जो फतेहाबाद को बहुत करीब से जानते हैं नॉन पॉलिटिकल हैं सामाजिक कार्यकर्ता और विश्लेषक भी हैं बहुत बहुत स्वागत है हरदीप जी और इसके पहले कि हम चर्चा शुरू करें जरा पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं फतेहाबाद पर एक नजर डाल लेते हैं पश्चिम हरियाणा का फतेहाबाद एक महत्वपूर्ण जिला है इस जिले का प्राचीनतम वर्णन महर्षि पणनी की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है फतेहाबाद जिले की स्थापना करीब 1351 में तुगलक वंश के मशहूर शासक फिरोज शाह तुगलक ने की थी 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद जिले को हिसार जिले से अलग कर नया जिला बनाया गया था बताया जाता है कि इसी जगह फिरोज शाह तुगलक के पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम फतेह खान रखा गया था फिरोज शाह तुगलक के बेटे के नाम पर इसका नाम फतेहाबाद रखा था फतेहाबाद का राजनीतिक इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है फतेहाबाद जिले की टोहाना सीट से जननायक जनता पार्टी के विधायक दिवेंद्र सिंह बबली हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। इससे पहले कांग्रेस की सरकार में टोहाना से ही विधायक रहे परमवीर सिंह कृषि मंत्री बनाए गए थे इसी जिले के सुभाष बराला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं जजपा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी टोहाना से ही आते हैं फतेहाबाद जिले में तीन विधानसभा सीट है फतेहाबाद रतिया और टोहाना अगर बात पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम की करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में फतेहाबाद से बीजेपी उम्मीदवार दुराराम की फतेह हुई दुराराम को सतर वोट मिले वही जेजेपी के वीरेंद्र सिवाच ने चौहत्तर हजार उनहत्तर मत पाए तो कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद सिंह को बीस हजार आठ सौ अठानवे की सुमन लता को दो हजार एक सौ ग्यारह से ही संतुष्ट होना पड़ा टोहाना सीट से 2019 के चुनाव में जेजेपी के देवेंद्र सिंह बबली ने बड़े अंतर से बाजी मारी देवेंद्र बबली को एक लाख सात सौ बावन वोट मिले वहीं बीजेपी के सुभाष बराला अड़तालीस हजार चार सौ पचास वोट पाने में ही कामयाब हो पाए तो कांग्रेस के परमवीर सिंह को सोलह हजार सात सौ सत्रह मत मिले लेकिन एन के उम्मीदवार राजपाल सैनी महज बारह सौ तेरह वोट तक ही सिमट कर रह गए साल दो हजार उन्नीस के विश्व चुनाव में रतिया से बीजेपी के लक्ष्मण नापा विजय रहे लक्ष्मण नापा को पचपन वोट मिले तो कांग्रेस के जर्नैल सिंह को त्रेपन वोट मिले वही जेजेपी की मंजू हरियाणा की राजनीति में फतेहाबाद का भी बहुत योगदान रहा आज भी यहाँ के नेता हरियाणा की राजनीति में एक्टिव रोल में हैं। विधानसभा चुनाव में फतेहाबाद की तीनों सीटों पर हमेशा दिलचस्प मुकाबला रहता है चलिए तो ये फ़तेहाबाद की एक रिपोर्ट थी और यहाँ के नेता सिर्फ चर्चा में नहीं रहते हैं अभी हाल में निकाय चुनाव हुआ था और टोहाना में जो स्थिति हुई और रिजल्ट के बाद जो वार पलटवार का दौर चला वो भी किसी से छुपा नहीं है तो हम सर्वे का जो पहला सवाल है वो आपके सामने पहले पेश कर रहे हैं कृपया ध्यान दें सर्वे में हमारा पहला सवाल था हरियाणा की गठबंधन सरकार के लगभग तीन साल पूरे हो रहे हैं आपकी नजर में इन तीन वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा फतेहाबाद जिले के नौ फीसदी लोग हरियाणा सरकार के इन तीन सालों के कार्यकाल को बहुत अच्छा मान रहे हैं जबकि जिले के 21 प्रतिशत लोगों का कहना है कि सरकार ने इन तीन सालों में अच्छा काम किया है वही फतेहाबाद के 34 फीसदी लोगो ने सरकार के कामकाज को औसत बताया लेकिन फतेहाबाद जिले के सत्ताईस ऐसे भी हैं जो हरियाणा सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है वही जिले की 9 प्रतिशत जनता इस पर अपनी राय रखने से बचती नजर आई चलिए तो ये हमारा पहला सवाल था और हमने लोगों से ये पूछा और ये आपको बता दें हमने डिस्क्लेमर भी चलाया कि 18 जून से 18 जुलाई के बीच में हमने ये सर्वे किया है और पूरे हरियाणा में हर हल्के में लगभग 400 वोट 400 सैंपल हमने लिए हैं तो पूरे हरियाणा में एक बहुत बड़ा छत्तीस का से ऊपर का सैंपल साइज़ कि तकरीबन छत्तीस का सैंपल साइज़ बन जाता है मैं पहला सवाल हरदीप आपसे करना चाहूँगा बहुत संक्षेप में देते जाइएगा जवाब ये जो लोगों की राय है 34 परसेंट औसत कह रहे हैं बहुत अच्छा 9 और अच्छा 21, खराब 27 परसेंट कह रहे हैं यानी कि 34 परसेंट लोग कह रहे हैं ठीक है चलो सरकार है और वो भी तब जब जेजे का अच्छा प्रतिनिधित्व है वहां से दो सीटें बीजेपी के पास है फिलहाल और एक जे, -जे के पास है क्यों ऐसा क्यों देखिए जैसा कि सर सबसे पहले तो रश्मि रंजन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि थर्मामीटर जो आपने एक टेम्परेचर राजनीति का नापने के लिए शो शुरू किया है इससे पता लगेगा कि सरकार कहाँ स्टैंड कर रही है दूसरी बात जो आपने कही कि जे जे पी जे जे पी फतेहाबाद में ऐसी स्थिति में है टोहाना की बात करें फतेहाबाद की करें तो जे जे पी का जो गठबंधन सिर्फ मात्र का है वहाँ पर सरकार के साथ तालमेल बिल्कुल नहीं है इनमें औसत जो है आपने मैं इसमें समझ नहीं पाया कि अकेला बीजेपी का था या गठबंधन का था गठबंधन सरकार जी जो तीन साल अभी गठबंधन सरकार है सरकार के परफॉर्मेंस पे जी था। सरकार का जो परफॉर्मेंस है जे जे पी कल मैं एक वीडियो देख रहा था हमारे वहाँ पे जो चौहत्तर हजार वोट लेके डॉक्टर शिवाज साहब हैं वहाँ के गाँव हैं दैमंड गोरखपुर पानी से लबरेज है सर वहाँ पे कोई आज डेथ हो जाए तो उनको संस्कार के लिए जाने की जगह नहीं है और जे के जो हमारे कैंडिडेट थे वो वहाँ पे लाइव वीडियो में कह रहे हैं कि मैं लाचार हूँ अधिकारी सुन नहीं रहे सरकार में मतलब मैं दुष्यंत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पानी की निकासी का तो वो औसत कहाँ है लेखा जी बैठे हैं दूसरी बात चुनाव की टोना का आपने जिक्र किया फतेहाबाद में भी फतेहाबाद में, में सरकार के साथ नहीं थे जे, -जे से हुँ. मतलब ये जो थे सरकार नगर निकाय चुनाव में भी सरकार के जो गठबंधन का कैंडिडेट की सपोर्ट करनी चाहिए थी ये अलग डबली बजा रहे थे और वहाँ पे जो है गठबंधन का तो कोई कैंडिडेट था ही नहीं सिर्फ एक विधायक कैंडिडेट था बीजेपी और जेजेपी दो लोग हैं और दो बीजेपी से हैं एक जेजेपी से है और बड़े मशक्कत के बाद जेजेपी का एक जो एमएलए हैं उनको मंत्री भी बना दिया ये चौंतीस परसेंट लोग कह रहे हैं औसत औसत को आप इस रूप में भी समझिए कि वो कहीं भी शिफ्ट हो सकता है और सत्ताईस लोग कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं है अच्छा और बहुत अच्छा बहुत अच्छा तो सिर्फ नौ परसेंट कह रहे हैं इक्कीस परसेंट कह रहे हैं ठीक हाँ, है अच्छा है लेकिन और एक बड़ा आंकड़ा बनता है जैसा कि जनता जनार्दन का आपने बताया कि एवरेज चौतीस परसेंट और बहुत खराब का आप बता रहे हैं जैसा 27. कि सत्ताईस परसेंट देखिए ये सीधा ही सीधी बात यह है कि जिस तरीके से एक एवरेज जहाँ से भी आपने निकाला है किस एरिया में जहां पे भी आप पहुंचे हो हुँ. उसके अकॉर्डिंग सर हो सकता है कि कहीं

रोड की बात करें हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी कनेक्टेड गांव से रिलेटेड जो रोड हैं सबको ए वन फर्स्ट क्लास बना दिया गया है जिससे कि हर ग्रामवासी को बेनिफिट होता है उसके अलावा हमारे जो टोहना विधानसभा क्षेत्र के दम, मेरे पास लव लेटर भी है सर, हर हाल बिल्कुल ये भी सर, बिल्कुल हमारे देखने लगा विधानसभा भी क्षेत्र के दमकोरा गांव के अंदर हमने एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जिससे कि पंजाब स्टेट से भी और खिलाड़ी खेलने आते हैं तो समय अनुसार जिस जिस तरीके से हमें लो, जो लोकल भी डिमांड आती है चाहे खेतों के खाड़ों की खेतों के रस्तों की वो भी समय अनुसार हम जे कर रहे हैं जे जे पी ये चौतीस लोग कह रहे हैं एवरेज है एवरेज है और सताइस कह रहे हैं की लाइ तो बेकार है मैं आपको बता बता देना चाहता हूँ जी जिस तरह आपने कहा चौतीस परसेंट और मेरे साथी हरदीप ने भी कुछ कहा उसका भी जवाब दू चौतीस परसेंट कोरोना काल और किसान आंदोलन के चलते हुए अगर इतने परसेंट लोग राजी हैं ठीक है, है तो मैं समझता हूँ संतोष इतने उसी पॉजिटिव है हाँ मैं इसी बात पर आ रहा हूँ बात रही विकास की जिस तरह अरदीप जी ने कहा हमारा कैंडिडेट रहा शिवाज साहब वो गए थे लेकिन शायद इनको पता नहीं है बारिश आई थी बहुत ज्यादा उसके अंदर हम वो पानी निकालने के अंदर कामयाब हुए कल सारा प्रशासन वहां निकला गया हुआ था सारा पानी वहाँ निकाल दिया गया है आदनी दूषण चौटाला जी डिप्टी कमिश्नर से बात करी उसके बाद में पानी की समस्या हल होगी अकेले दमन गांव की बात नहीं है ये बडोपल के मतलब हर गांव के लिए दुष्य चौटाला को फोन करना हो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे कहने का मतलब बारिश हुई है बारिश के अंदर पानी आना स्वाभाविक है और बात रही जिस तरह भाई ने कहा कि इनका गठबंधन देखने को नहीं मिल रहा था तो फतेहबाद के अंदर तो गठबंधन का कैंडिडेट जीता है, है।, है। ये रिकॉर्ड की बात है, है। शशि रंजन जी सबसे पहले आपका धन्यवाद जनता टीवी का धन्यवाद एक अपरचुनिटी दी आप लोगों ने जैसे कि अभी ये चर्चा जो चल रही है जो औसत आप लोगों ने निकाली है आप देखेंगे कि तो तीस फीसदी फीसद लोग एवरेज और बिलो एवरेज इसकी परफॉर्मेंस मानते हैं और आप फतेहद से वाकिफ है कि हमारे इलाके के जो लोग हैं बड़े ही मृदभाषी और कभी भी बहुत ज्यादा आगे आके रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशनराइज हम नहीं करते हैं hmm. और आज अगर ढाई साल आगे सरकार के पढ़े hmm. आज अगर सत्तर फीसद लोग hmm. अपनी जुबान से आपकी सर्वे में अगर ये कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं hmm. और वो इस सरकार की परफॉर्मेंस बुरा मानते हैं उसका जो मुख्य कारण है चौंतीस परसेंट तो कह रहे हैं कि एवरेज काम ठीक हो रहा है टर्न ट्विस्ट मत सत्ताईस परसेंट कह रहे हैं कि खराब बिल्कुल सत्ताईस परसेंट तो खराब कह रहे हैं चौतीस फीसद एवरेज बता सर्वे में हमारा दूसरा सवाल था केंद्र की मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं फतेहाबाद जिले के 14 प्रतिशत लोगों का कहना है कि केंद्र की मोदी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है वहीं जिले के 11 फीसदी लोग केंद्र सरकार के कामकाज को सिर्फ अच्छा बता रहे हैं तो 44 प्रतिशत जनता को मोदी सरकार का कार्यकाल औसत लग रहा है लेकिन फतेहाबाद के तेईस फीसदी लोग ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है वही फतेहाबाद के आठ फीसदी लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी ये 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 केंद्र सरकार का भी था बहुत संक्षेप में जल्दी से मुझे जवाब दीजिए कि मतलब क्यों सताइस परसेंट ही है ना जो बिल्कुल नाराज है सत्ताईस फीसद उनसे मोदी सरकार का भी अगर हम ऐड कर लेते हैं तो इसमें भी अगर आप एडअप करते हो तो फीसद इसमें भी जो कह रहे हैं खर, खराब है आ, तो, वो तो तो वो अलग है ना मतलब बिल्कुल आ, लेकिन अगर आप सत्ताईस और तेईस को जोड़ तो नहीं, नहीं देंगे ना जोड़ेंगे नहीं जी बिल्कुल जोड़ने की आवश्यकता नहीं है ये एक मोमेंटम है साहब आज नाराजगी का मुख्य कारण क्या है की हमारे जिले में नशे के कारण जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है आज उससे एक आम आदमी त्रस्त है उससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है आज आप देखेंगे 2015 में एक एक पॉइंट हाँ। सर आपको में करना चाहूंगा 2015 में उस समय जब हमारे अनिल जो गृह मंत्री हैं अभी उन्होंने संगीता कालिया जी के साथ एक आपको 2015 हजार पंद्रह में एक हाँ। वाक्य हुआ था और उन्होंने चेताया था सरकार को कि ड्रग मैनेस के कारण हमारे इलाके की हालात जो है खराब होती जा रही है आज उसी नशे के कारण लगातार फतेहाबाद में क्राइम बढ़ रहा है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ऐसा आई एन एल डी आई एन एल डी आई एन एल डी शशि जी आपका और जनता टीवी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस थर्मामीटर कार्यक्रम के लिए आज फतेहाबाद आज हरियाणा की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं पर ये भूल गई मौजूदा सरकार कि फतेहाबाद आज 25 साल पूरे कर चुका है अपने जिला होने के तो क्या फतेहाबाद को 25 साल में मौजूदा सरकार को कुछ भी नजर नहीं आता कुछ देना चाहिए मैं आपकी जनता के जो आंकड़े हैं उनके साथ चलते हुए कह रहा हूं। अपनी तरफ से या पार्टी की तरफ से नहीं, नहीं। कि आने वाला समय समय और जो बीत गया समय पिछले साल बीजेपी और अब गठबंधन की सरकार केवल मात्र फतेहबाद के लिए नुकसानदायक रही है कोई कार्य नहीं हुआ ये अस्पतालों की बात करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की बात करते हैं वो सिर्फ कागजों पे है मौजूदा वहां कुछ नहीं आम आदमी पार्टी शिवन जी आपको भी नमस्कार जनता को भी नमस्कार जो सबसे बड़ी समस्या ये आंकड़ों की बात तो हम ले लेते हैं लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये कि जब हम फतेहबाद जिले की बात करें तो वहाँ सत्ता की लड़ाई आपस में हो रही है जब भी वोटिंग होती है फर्जी वोटिंग भी होती है नशा भी बांटा जाता है वहाँ पे किसी तरीके का कोई काम पिछले तीन सालों में नहीं हुआ है ये अस्पतालों की बात कर रहे हैं तो इतना बुरा हाल अस्पतालों का रतिया के अंदर तो कैंसर तक फैला हुआ है सिर्फ पानी की गंदगी की वजह से और कहीं पर कोई इलाज नहीं है और नशे की मैं बात करूँ तो इन्होंने सही मुद्दा उठाया है आज जागरूकता फैलाते है है। हैं, यात्रा करते हैं है। लेकिन काम कोई नहीं कर रहा <coughs> इतना क्राइम और नशा हमारे आपको बताया कि लव लेटर भी हम मंगवाते हैं ये जो नशे की बात है मेरे एजेंडा में नंबर वन एजेंडा है और फतेहाबाद से रतिया से और टोहाना से इन तीनों जगहों से ये मसला आया है और यह तो आधार है। होता है कि हम जितने लोगों से बात करते हैं जिस मसले को सबसे ज्यादा लोग उठाते हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं लोगों का लोगों ने लिख करके भेजा है कि नशे की वजह से हमारा पूरा हल्का ये तीनों लोग का है वो मिक्स करके बता रहा हूं कि बर्बाद होता जा रहा है और अगर आप कभी सर्वे नशे के ऊपर करवा लें शशि जी तो आपको यहाँ पे 50 परसेंट से अधिक लोग नशे के गिरफ्त में मिलेंगे सरकार क्या कर रही है पता नहीं और नेता आज तक कभी भी कोई सीरियस नहीं है आपके स्टूडियो में आए तो उनसे पूछिएगा कि क्या कोई नेता नशे को लेकर के कभी कोई जागरूकता अभियान फैलाते हैं सर ये फोटो खींच जाते हैं जागरूकता अभियान फैलाते हैं लेकिन पकड़ कोई नहीं कर रहा छोटे छोटे लोगों को पकड़ते हैं लेकिन बड़े लेवल पे कोई नहीं पकड़ जी लक्ष्य जी और से मेरे साथी बैठे हैं इन्होंने एक बात कही नशे के ऊपर मैं मानता हूँ लेकिन उस नशे के ऊपर अंकुश लगाने के लिए सरकार बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रही है और एक्शन ले रही है आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने एक्साइज के अंदर जो अमेंडमेंट किया था तो कौन सा उसी, उसी बात उसी बात पर आ रहा हूँ नशे मैंने तो सीरीज किया था जाकर के सिरसा में आप कहते हैं नशे पे इतना एक्शन ले रहे हैं। मुझे कालावाली में लोगों ने कहा कि आप मैंने कहा कि मैं अगर लेना चाहूं कैसे बोला कोई मुश्किल काम नहीं इस चौराहे पे खड़े हो जाइए दो चार पांच से की बात कीजिए दस मिनट में आपके पास डिलीवरी हो जाएगी आपके पास फतेहबाद की दो सौ अठहत्तर पर्चे दर्ज हुए नशे के खिलाफ कितने टाइम में कोई कार्रवाई नहीं होती नहीं, जी मुख्य लोगों तो के ऊपर के साथ नहीं मतलब पर्चा कर दर्ज करके क्या ऐसा ऐसा कौन है सर ऐसा कौन है कि सरकार चाहे और ना चाहे रुके ना आपने कहा कि मैं पर्चे लेके बैठा मैं भी बड़ी रिकॉर्ड से लेके आया हूं कि जो पर्चे दर्ज हुए हैं वो रिकॉर्ड की बात है कोई मेरे कहने की बात नहीं है और दूसरी बात रही नशा शराब का भी होता है नशा गोलियों का भी होता है नशा चिट्टे का भी हो रहा है, तो है। अखबार से आपके मीडिया से आपको सबको देखता है कि दिल्ली फतेहाबाद के अंदर रतिया के अंदर टोहड़ा के अंदर जो कोई नशा बेचता हुआ पकड़ा जाता है उस पर पर्चा दर्ज किया जाता है उसको दो सौ तिहत्तर कर लिया तो दो में तो फतेहाबाद क्लीन हो जाना चाहिए था तो फतेह आप, आप किसको पकड़ते हैं ये जो आधा ग्राम और नहीं नहीं ऐसा वो वाला है। पकड़ते हैं ऐसा कुछ क्यों नहीं क्यों हम सारे साथी यहाँ बैठे हैं बड़ी चुम्बारी सी बात बेच रही है नशा बेच रही है सबसे बड़ा जी हर दिन जहाँ तक नशे की बात की गई सर ये सारी सार। सार। पार्टियां बैठी है सिर्फ जब कोई मुद्दा बनता है राजनीतिक मुद्दा बनता है चुनाव आता है तो जहां नशे का आंदोलन करते हैं, मैं सामाजिक तौर कार्यकर्ता के तौर पे कह रहा हूँ कि हमने एक आंदोलन चलाया था जब ये 2019 का इलेक्शन था उससे पहले और खट्टर साहब को खुद को हमने एक लेटर दिया था मांग पत्र दिया था कि आप पांच नशा मुक्ति केंद्र प्लस में इस पर कार्रवाई की साइकिल चलाने से नशा बंद नहीं होगा आदरणीय सुरेंद्र लेगा जी दुष्यंत जी के साथ आए थे और इनका अब स्थापना दिवस बिहार इनसो का हमारे साथ जो प्रवीण काशी जी थे वो उनको उन्होंने स्पेशल इनसो के जी में बुलाया था और वहां पे हमारे से वायदा किया था सरकार में अगर हम आते हैं तो जो चिट्टा बेचने वाले उनको फांसी की सजा देंगे और ये करेंगे उसके बाद पांच नशा मुक्ति केंद्र का था डेंगसरा गांव से आते हैं हमारे अशोक जाखड़ जी बीजेपी से आज यहाँ पे बैठे हैं इनके पूरे गांव में हम एक तरफ थे इन्होंने हमारे ऊपर मान आने का केस तक दर्ज करवा दिया था ये नशा बेचने वालों की सपोर्ट कर रहे थे तब इन्होंने वो लेटर भी अगर आप चाहो तो मैं आपको मेल कर दूंगा और ये गवाह गवाहें इन्होंने हमारे प्रवीण काशी जी के ऊपर आने का जो नशे के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे उनके ऊपर के था। दूसरी बात सर, एक नहीं। नहीं। सर एक एक मिनट बात सर, रहती है।, है वो नशा मुक्ति केंद्र जब हम उसके बाद फाइल लेके गए दुष्यंत जी के पास सर ये आपने नशा मुक्ति केंद्र के तो रिप्लाई क्या था उन्होंने फाइल को ऐसे फेंक दिया था बोला बीते जमाने की बात ये बात रखी की आप कहीं हमें ये साबित कर दीजिए की हम नशा जो बेच रहे हैं उनके साथ है या कहीं संतलिप्त है तो मैं मेरे पद से इस्तीफा देता हूँ और साबित करने वाले को एक आंदोलन में बिल्कुल साथ रहे अब ऐसे जी आप किस जगह किस लोकेशन पे आंदोलन चला रहे हैं वो बात अलग है हम आंदोलन में साथ रहे हैं जिस टाइम नशा मुक्ति यात्राएं निकली है उस टाइम हम कंटिन्यू साथ रहे हैं लेकिन कोई किसी व्यक्ति विशेष कोई व्यक्ति विशेष पर लगा सकता है उसमें कोई लंबा चौड़ा इश्यू नहीं जब मैंने मीडिया के सामने आके बात रखी फिर कोई ऐसा कोई साथी सामने तो नहीं आया कि ये देखिए जी आप यहाँ शामिल हो सर दो महीने ऐसी आंदोलन चल रहे ठेका टमाने के लिए सरकार ये गांव में आते हैं क्या ये ठेका नहीं है सरिया गाँव

Hmm. इस हरियाणा प्रदेश का इस देश का बड़ा होनार नेता है लेकिन जिस तरह जिन्होंने जिन्होंने ये बात कही अब बात भोडिया खेड़ा की ठेकेबंद की बात थी हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा कानून लेकर आदनी दुशन चोटा लिया ले कि कोई पंचायत अगर लिख के देती है ठेका भाषण आप नेता है जो अगर कोई ऐसा तो मसला होगा ना भाई हमारे बच्चे हैं ना जो नशे में बर्बाद हो रहे हैं क्या अगर सारे पॉलिटिकल पार्टी पार्टी के ऊपर उठ करके अगर ये तय कर ले कि नशा के खिलाफ अभियान चलेगा तो क्या ऐसी ताकत है सशी, सशीजी, कोई सशीजी, कोई, सशीजी, कोई एक मसला तू? तो हो सकता एक तो है सबसे बड़ा विषय सबसे बड़ा विषय मैं रखना चाहूंगा सर हमारे नजदीक स्टेट लगते हैं पंजाब और नजदीक स्टेट लग गया दिल्ली सबसे ज्यादा जो नशे का कारोबार है वो पंजाब स्टेट से होता है अरे तो आप अपने बॉर्डर पे रोक लीजिए ना सर जहाँ सब सबसे बड़ा पंजाब देख लीजिए पॉलिटिक्स में यही हो आप और दिल्ली मसला हो इन नेताओं से आप एक दूसरे को एक दूसरे को अगर आप आलोचना करवाने के लिए छोड़ दीजिए करेंगे लेकिन आप अपने घर में भी बैठ करके सोचिएगा क्या कोई एक भी पार्टी ईमानदारी से नशा के खिलाफ भाषण देना अलग अलग बात बात है, है, टीवी पे बोलना अखबार में स्टेटमेंट देना अलग बात है मैं एक बात कहता हूं ये फतेहाबाद सिरसा और इस इलाके में जितने लोग कार्यक्रम करते हैं राजनीति वाले लोग और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं क्या आपने देखा है? ये मैंने ही पिछली बार फतेहाबाद में कहा था कि जितने नेता अपने प्रोग्राम कीजिए तो नशा के खिलाफ एक बोर्ड लगाइए कुछ तो लगाइए लेकिन उसके एक दो बार हुआ उसके बाद हुआ नहीं ये नेता सारी पार्टियां अगर एक साथ हो जाए क्या इतना मुश्किल है कि नशे को हम खत्म नहीं कर सकते हैं ये सोचिएगा घर में बैठ के जरूर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होंगे और इस चर्चा को और सर्वे के दूसरे आंकड़े को और रुझानों को आपके सामने लेकर के आएंगे लेकिन नशे के मसले पर हमें और आपको सोचना होगा अब भी नहीं सोचा तो दरिया में पानी बहुत बह चुका है एक छोटा सा चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम फतेहाबाद ज़िले का की ये रिपोर्ट देख रहे हैं और थर्मामीटर जो हमने लगाया था उसके रुझान एक के बाद एक आ रहे हैं एक सवाल हमने ये भी किया था कि जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी है बहुत चर्चा ये है कि उसका असर बड़ा हरियाणा पे पड़ेगा आने वाले चुनाव पे पड़ेगा हमने ये सवाल भी लोगों के सामने रखा रिपोर्ट देखिए कृपया ध्यान दें सर्वे में हमारा तीसरा सवाल था पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या हरियाणा में होने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ेगा इस सवाल पर फतेहाबाद जिले के 21 फीसदी लोगों का कहना है कि हरियाणा के चुनाव पर इसका बहुत असर पड़ेगा वहीं जिले की इकतालीस फीसदी जनता मानकर चल रही है कि पंजाब सरकार का हरियाणा के चुनाव पर हल्का असर पड़ेगा लेकिन फतेहाबाद की उनतीस पब्लिक ये मत रखती है कि हरियाणा के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो जिले के 9 फीसदी लोग इस सवाल से बचते नजर आए चलिए ये भी एक बड़ा अहम मसला है और हरियाणा की राजनीति में इसको लेकर के बहुत चर्चा हो रही है उन तमाम चर्चाओं पे हमने इस लोकतंत्र के असली मालिक जिनके वोट से सरकार बनती है सरकार नहीं बनती है नेता बड़े होते हैं छोटे होते हैं हमने उनकी दरबार में ये पूछा कि क्या पंजाब में जो सरकार बनी है उसका आने वाले चुनाव पे या हरियाणा में जो भी चुनाव होंगे उस पर कोई असर पड़ेगा बीजेपी कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी एक सर्टेन लेवल तक बढ़ी और आम आदमी तो बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि वो कांग्रेस को डैमेज करेगी देखिए सर

बीजेपी के लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन तब होता है जब बीजेपी के खिलाफ वाले वोट कई घरों में बट जाए अगर आम आदमी पार्टी भी आती है मान लीजिए अभी तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है सात आठ नौ दस परसेंट पे चली जाती है तो बी, तो एंटी बीजेपी वोट या जो बीजेपी से नाराज वोटर है उनका डिवीजन हो जाएगा कुछ कांग्रेस में कुछ आप में कुछ आई में कुछ जेजेपी में ये सीधा सीधा फायदा होगा बीजेपी को बिल्कुल जी जैसे आपने एक बात कही जैसे अभी हमारे बीजेपी के साथी भाई अशोक कह रहे थे कि पंजाब और हरियाणा पंजाब और दिल्ली में आपकी सरकार है हरियाणा में और उन्होंने पहले बात कही थी कि पंजाब और दिल्ली से जो नशा है हरियाणा में आता है तो पंजाब और दिल्ली के नशे को तो ये रोक नहीं पाए लेकिन आपको रोकने की ये कोशिश करेंगे एक व्यंगनात्मक बात आपको मैं कर रहा हूँ लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है अगर कांग्रेस के वोट की डिवीजन की अगर हम बात करें तो आज कांग्रेस ने जैसे आपने शुरू किया था कि एक सेनापति को नियुक्त कर दिया गया है आज लोगों के पास चॉइस है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज प्रोजेक्ट कर रही है बतौर सेनापति कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद से आप देखेंगे कोई भी नई ज्वाइनिंग आम आदमी पार्टी में नहीं हुई और रही बात आम आदमी पार्टी की पंजाब की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो भगवंत मान जी ने अपनी खुद की संगरूर की सीट को जो है खो दिया है जिसके कारण कहीं ना कहीं एक आ, कोई परफॉर्मेंस जो है वो लैक कर रही है आज वहां पे जो क्राइम है जो इस तरीके से बढ़ रहा है जिससे पहले ही हम लोग डरे हुए हैं सिद्धू मूसेवाला की जो मर्डर की जो कहानी है आपको मैं बताना चाहूंगा और बड़े दुख से ये बात कहूंगा कि उसके भीतार

इसका गवाह उत्तर प्रदेश भी है उसका गवाह दिल्ली भी है इसका गवाह पंजाब भी है जब पोलराइजेशन ऑफ वोट हो जाता है जब लड़ाई बड़ी हो जाए तो उसमें फिर जो दूसरी पार्टियां जो बाहर हो गई ऐसा नहीं है कि वो पार्टी ख़राब है या उसके प्रति लोगों की लेकिन उस लड़ाई में कई लोग बाहर हो जाते हैं आई और जे आपको इस बात का का एहसास है नहीं देखिए आप जो बात कह रहे हैं कि बाहर हो जाए अब जितनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां स्टेट में आएंगी और जितनी ज्यादा इस तरीके की बात आएंगी कि जैसे नशे का मुद्दा हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा तो पंजाब में आम आदमी पार्टी आने का मतलब ये है ही नहीं कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी जड़ जमा लेगी पंजाब एक गेट है ड्रग्स के लिए पाकिस्तान से और उस गेट का दरवाजा पंजाब में खुला है तभी हरियाणा में वो एंटर कर पा रहे हैं हमारा जिला बहुत ही ज्यादा पीड़ित है इस नशे से आज से नहीं बहुत पहले से कांग्रेस ने कोई कदम नहीं उठाया इसको रोकने का बीजेपी की की सरकार सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और मौजूदा बीजेपी की जो जो है उसमें तो हमारे के साथी हैं हैं वो इतने व्यस्त रजिस्ट्री के घोटाले करने में शहर में खुद शराब के ठेके लेकर चलाने में कि उनको कोई चिंता ही नहीं है नौजवान साथियों की कि वो शराब के अलावा कोई नशे से किसी और चीज से जे जेपी जे जेपी शशि रंजन जी हम जो साथी बैठे बड़े जुम्मार साथ ही बैठे हैं लेकिन हमें जो बात कहने से पहले ये सोचना चाहिए कि इस देश की जनता हमें देख रही है जिस तरह इन एलो के मेरे साथी ने कहा कि घोटालों में ये तो लगे हुए हैं शराब बेचने में लगे हुए हैं है। मैंने पहले भी कहा था इन्होंने फतेहबाद की बात कही फतेहबाद के अंदर तीन गुना एक्साइज रेवेन्यू दुष्यंत चौटाला जी के आने के बाद में बड़ा है रिकॉर्ड रिकॉर्ड की की बात बात है है में जितने भी वो किसके पास है आप पता करिए सारे ठेकेदार कौन है आपको स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि इन लोगों का इंटरेस्ट केवल के मात्र सीसी डब्ल्यू ठेके लेने में ठेका किसी का हो लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है ठेके बड़े सही चल रहे हैं मैं जो मैंने जो पहले कहा तो सही तीन गुना रेवेन्यू फतेहाबाद जिले का बढ़ के आया है तो ये, ये, ये। वालों के पास ही है कि कुछ बीजेपी वालों के ये बात कर रहे जेजेपी वालों को अपने साथी पार्टी में रोकने के लिए उनको शराब के ठेके ऑफर करने पड़ रहे हैं मैंने जो पहले कहा बड़ी जुम्मारी से बात करनी चाहिए आप लेकिन किसी पर लांछन लगाने से पहले रिकॉर्ड में होना चाहिए मैं मैंने जो पहले कहा मैं रिकॉर्ड लेके आया हूँ और बात रही जिस तरह मेरे इनेलो के साथी ने कहा इनके इनके पास कुछ है नहीं ये क्या करेंगे इन्होंने पिछले दिनों जब इलेक्शन हुए 678 वोट फतेहवा से मिले इनको जो एक रिकॉर्ड की बात है नगर नगर परिषद के चुनाव में जेजेपी ने बड़ा दम लगाया परंतु इनेलो के समर्पित जो साथी थे वो चेयरमैन पद पे बैठने का काम आम आम आदमी आदमी पार्टी पार्टी ये 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 जो 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 आपको वोट परसेंटेज मिल जाते हैं है ना जैसे लोग कह रहे हैं कि बड़ा असर होगा या पंजाब का जो भी होगा लेकिन आपके पास नेता नहीं है अभी भी आप सब कहीं से निर्मल सिंह को ला रहे हैं कहीं से अशोक तंवर को ला रहे हैं मतलब ग्रास रूट लेवल पे तो वर्कर्स है नहीं आपके पास देखिए ग्रास रूट लेवल पे आम आदमी पार्टी के पास बहुत बड़ा धड़ा है वर्करों का और अभी संगठन पे ही काम चल रहा है उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हरियाणा के अंदर और मैं आपको बता दूं जिस तरीके से यहाँ पे बात चल रही है कांग्रेस की इसमें कोई शक नहीं है कांग्रेस के प्रति जनता का अविश्वास पैदा हो चुका है क्योंकि इनके नेताओं का स्थाईपन्न नहीं है और जगह जगह हम देख रहे हैं कांग्रेस के नेता फटाक से बिक के बीजेपी में चले जाते हैं जिस वजह से लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं और आम आदमी पार्टी असर होगा पंजाब का बहुत संक्षेप में मुझे अगले सवाल पे जाना है असर होता अगर मान लो चुनाव में रिजल्ट दिखाते नगर निकाय चुनाव में रिजल्ट की बात नेतृत्व जो रहा रहा है इन्होंने मतलब एक नेतृत्व नगर निकाय चुनाव में नहीं दिया सभी ने खुद को प्रमोट किया जो बड़े चेहरे थे अगर वो एक स्थायित्व जैसे सुशील गुप्ता जी थे वो प्रमोट करते खुद को मैं इसका प्रभारी हूँ तो वो जो एक तालमेल नहीं था उसके बाद ज्वाइनिंग बंद होगी जैसे आनंदवीर जी ने कहा कि ज्वाइनिंग बंद होगी तो उसके बहुत बड़ा कारण ये भी था जो आनंद फानंद में चेहरे शामिल किए गए कृपया दें। सर्वे में हमारा चौथा सवाल था किस सरकार में आपके हलके में सबसे ज्यादा विकास के काम हुए फतेहाबाद जिले के 19 प्रतिशत लोग मानते हैं कि बीजेपी सरकार के दौरान उनके हलके में विकास ज्यादा हुआ तो कांग्रेस के कार्यकाल में हलके ने अच्छा विकास किया ऐसा मानने वाली आवाम का मत 16 फीसद है लेकिन नौ प्रतिशत जनता ये भी मान रही है कि इनेलो सरकार में उनके हलके ने ज्यादा तरक्की की वही जिले के फीसदी लोग अपने हलके के ज्यादा विकास के लिए बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को ज्यादा मुफीद मानकर चल रहे हैं लेकिन जिले की 22 प्रतिशत आवाम का कहना है कि, कि किसी भी सरकार के कार्यकाल में ज्यादा तेज विकास नहीं हुआ वहीं जिले की सात फीसदी जनता ने इस सवाल पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी हरदीप आपसे ये आपने आंकड़ा आंकड़ा देखा, आकड़ा क्या समझ में आता है? नेक है सर। जैसे सत्ताईस परसेंट ही वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ और सत्ताईस वर्तमान सरकार की बात करूंगा, सत्ताईस परसेंट जो है कह रहे हैं गठबंधन सरकार में जिले में काम हुआ है तो सत्ताईस परसेंट जो लोग हैं सर मतलब ढाई साल बाद तो काम बढ़ना चाहिए था इनका परसेंटेज बढ़ना चाहिए था अगर काम होता है तो है। दूसरी बात अब जो सरकार जो इलेक्शन हुए हैं है। उसी पे आते हैं कि जो परसेंटेज है, है ये परसेंटेज डाउन जाएगा आगे आगे जैसे बढ़ेंगे क्योंकि आपने भी जिक्र किया है कि जो विधायक है इनके कोई मुख्यमंत्री उनकी जो आस्था है, है। मुख्यमंत्री जी मोदी जी में वो ओपन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहे हैं कि गुम हो जाती है पर्ची एक मशीन लगी हुई है कि वो पर्ची जो है गुम हो जाती है पता नहीं कौन सी मशीन लगा रखी है तो वो मशीन तो देखो जिनके मोहब्बत मोहब्बत कोई जरूरी है कि घर में ही हो बाहर भी मोहब्बत हो सकती है जी तो ना? ये जो सत्ताईस परसेंट का जो आंकड़ा है सर बहुत बड़ा आंकड़ा है ये ना? इसको छोटा वो क्योंकि पिछला जो आपने जिक्र किया कि चला ना? गया वर्तमान सरकार जो है सत्ताइस परसेंट नेक टू नेक खड़ी है आएन फिर कांग्रेस फिर आप उसके बाद फिर आप दोनों और संक्षेप तो में, तो में तो ये कहना चाहूंगा आपके आंकड़े देखकर कि 9 परसेंट आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ लोग खड़े हैं जबकि हमारी सरकार आज से खड़े नहीं, नहीं है ये कहते हैं कि, कि, काम तो आज भी वो लोग साथ हैं जिन्होंने ये काम देखे हैं नजदीक से आज सत्रह अठारह साल हो चुके हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता से बाहर पर फिर भी लोगों का विश्वास पार्टी के अंदर है और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे आंकड़े कैसे उसके बाद में इलेक्शन भी बता रहे क्या समझा आपने इन आंकड़ों इन आंकड़ों से जहाँ तक की बात कर रहे हैं मौके की आठ साल से जो है बीजेपी की सरकार है मेरा ये मानना है कि ये पैकेजिंग और ब्रांडिंग बहुत अच्छी करते हैं तो आपको किसने मना किया बिल्कुल बिल्कुल आपके आपके आप आप यहाँ ब्रांडिंग होती है किरण चौधरी के आपके यहाँ आप ब्रांडिंग हो गए रणदीप सुरजेवाला के आपके यहाँ आप ब्रांडिंग हो गए कुमारी सैलजा के कैप्टन अजय के उस बीजेपी मोदी जी ने कहा था क्या क्या, क्या ब्रांडिंग मत कीजिए ये हमारी ये ये जो भी जो भी इश्यूज आप रेज कर रहे हैं बिल्कुल भी हमारे पार्टी में लीडरशिप है लीडरशिप ऐसे इतने योग्य नेता है शोले फिल्म देखी आपने शोले फिल्म मैं कहता हूँ हरियाणा कांग्रेस पूरी शोले फिल्म है गब्बड़ भी है जय भी है वीरू भी है रामनाथ नाई भी है, है सोलह तो फीसद ये ये की डिफरेंस मानते हैं आज भी सोलह लोग जो आपका सर्वे है जो आपका सर्वे सैंपल साइज है उसमें मानते हैं कांग्रेस के कार्यकाल में ज्यादा काम हुआ है उन्नीस इतनी मार्केटिंग पे खर्चा करने के बाद में 19 फीसद बोलते हैं अगर मैं आंकड़ों की बात करूं अगर मैं डेवलपमेंट की क्योंकि मैं नक्शा के साथ चलता हूं कि आज जो हमारे देश प्रदेश के ऊपर जो लगातार बोझ बढ़ रहा है सत्तर हजार करोड़ का सत्तर हजार करोड़ का जो तो हमारे आंकड़े बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं जी बिल्कुल रखते हैं बिल्कुल हम तीसरी पोजिशन पे गए हैं लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि जो दो आम आदमी पार्टी, लिकार पार्टी लिकार reaction, बहुत क्विक रिएक्शन बहुत क्विक रिएक्शन देखिए थोड़ा थोड़ा परसेंटेज ये जो कह रहा है कि सरकार के काम से या पुरानी पार्टियों के काम से कुछ है पर एक बड़ा तबका है उसका अविश्वास सरकारों के बाईस परसेंट ही है सर वो आप पुरानी बाईस परसेंट जो कह रही है कि मतलब किसी ने कोई काम नहीं करवाया सर अलग अलग पार्टी का आ, तो ही है, आ, बाकी जनता उस पार्टी के लिए तो रहेगी पूरी की पूरी आ, आ, तो इसमें जनता में अविश्वास है पार्टियों के इसमें कोई शक नहीं है आ, और लोग बाकी बाकी को मिला तो वाला जो सवाल आपसे सबसे पहले सर एक मिनट मैं हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब आनंदवीर जी के सेकंड, 30 हाँ तीस सेकंड. सेकंड में जवाब देता हूँ जी ये कहते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर यदि काम हुए हैं जो ये आंकड़े लेके बैठे हैं तो यदि कांग्रेस गवर्नमेंट में काम हुए होते तो अ हमारे पूर्व सीपीएस लाल सिंह गिल्ला खेड़ा जी 2009 में परसेंट वोट मिले 2014 में वो घट के 13.71 और तो 2019 में 11.34 क्यों आ गए यदि काम होते तो ये हालात थोड़ी होते काम होते तो ये अगर आधार है तो बीजेपी तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी था पहले टर्म में पिछली बार में नहीं जी नहीं किया आप फ्र, तो है बीजेपी किस सरकार में सबसे ज्यादा काम हुआ तो बीजेपी को लोग कह रहे हैं उन्नीस परसेंट और गठबंधन को कह रहे हैं सत्ताईस परसेंट ये इतना बड़ा फासला क्यों है सर देखिए जब जिस टाइम की बात है फतेहवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले हमारे पास सिर्फ हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी सुभाष बराड़ा जी सिंगल एमएलए थे बीजेपी की तरफ से और आज हमारे पास तीनों सीटों के आज अंदर, भी, भी बराड़ा साहब कम का है नहीं आज हमारे पास सर, इस, बबली इस, से पूछ इस, बात का, इस बात का जवाब दे रहा हूँ हमारे पास तीन हैं, तीनों सीटों के अंदर हैं। हैं। तीनों के अंदर हम दोनों पार्टी यानी कि भाजपा और जजपा तीनों सीटों पे एमएलए हैं तो जब तीनों सीटों पे एमएलए पार्टी के होंगे तो ऑटोमेटिक काम ज्यादा होंगे इस वजह से गठबंधन में काम ज्यादा परसेंट लोग आंकड़े बात तो माननी चाहिए जैसे मेरे अजीज लक्ष्य जी जो आम आदमी पार्टी से आए हैं और एन एल ये मेरे को लग रहा है दिन के अंदर सपने देख रहे हैं लेकिन सपने ऐसा सपने कुछ नहीं है धरती के अंदर धरती के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं आने वाली टाइम जो मैं एक मिनट आपकी बात को जवाब दूंगा एक मिनट प्लीज मेरा एक मिनट हमारी पार्टी है जो जन नायक जनता पार्टी चोही देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है हरियाणा प्रदेश की जनता ने आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की चोरी देवीलाल जी की विरासत उनके हाथ में दी है जिनकी नीति साफ हो नेता उनके पास हो मैं समझता हूँ कि कहीं काम में कमी नहीं आपके नेता है नेता आजकल कह रहे हैं हर जगह जेजेपी वाले की अगली बार मुख्यमंत्री बनाओ नहीं देखो बनना चाहिए इसमें क्या दिक्कत है नहीं चाहेगा प्रदेश ना क्या कहना चाह रहे हैं आप देखो मुख्यमंत्री तो बनना चाहिए किसमें दिक्कत क्या है तो खट्टर साहब क्या करेंगे क्यों अगले बार इलेक्शन की बात हो रही है ना अच्छा की बात की बात हो रही है ये आपसे एक बहुत बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा बीजेपी सरकार को 19 परसेंट लोग बीजेपी जब गठबंधन तो अच्छा तो अच्छा देखियो मैं रिकॉर्ड की बात जैसे मैंने पहले भी कहा मैं फतेहाबाद की आपको बात बता देना चाहता हूँ हमारा फतेहाबाद जिला जो एक साइड में राजस्थान के लगता है एक साइड में पंजाब के लगता है हमने सात मीटर से लेकर दस मीटर तक पंजाब बॉर्डर राजस्थान बॉर्डर को लगभग 180 करोड़ रुपए की सड़क मंजूर कराने का काम आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने आठ परसेंट और उसकी बात उसकी बात एक मिनट मेरी बात सुनो जी जिसकी बात चल रही थी बैठ की सर्वे में हमारा पांचवा सवाल था मंत्री आपकी पहली पसंद कौन फतेहाबाद जिले के 31 लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल को ही पहली पसंद मानते हैं वही मुख्यमंत्री के लिए जिले की इक्कीस प्रतिशत फतेहाबाद की पहली पसंद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है लेकिन फतेहाबाद की सोलह फीसदी आवाम का ये भी मानना है की सीएम के तौर पर वो अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं। जिले के 19 प्रतिशत की पहली पसंद दुष्यंत चौटाला है तो जिले की छह फीसदी जनता की सीएम के तौर पर पहली पसंद अभय सिंह चौटाला बने हुए हैं वही जिले के एक लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कोई अन्य हरियाणा का सीएम बने। फतेहाबाद के छह प्रतिशत लोगों ने इस विषय पर कोई राय नहीं दी लोगों की नजर में बेहतर मुख्यमंत्री कौन है और यहाँ पर खट्टर साहब होडा साहब केजरीवाल साहब दुष्यंत साहब अवेश साहब ये सब लोग हैं बहुत संक्षेप में रिएक्शन हरदीप आपका सबसे पहले आपसे ही शुरू करें बहुत संक्षेप में दीजिएगा इस सेगमेंट में समय अब कम है जी सर्वे की बात करें तो इस टाइम मंत्री जो है अपने मनोहर लाल खट्टर जी जो वो सबसे टॉप दिख रहे हैं लेकिन राजनीति में हालात किस टाइम क्या बदल जाए और मैं देख रहा हूँ की आम आदमी पार्टी भी अच्छा ग्रोथ कर रही है जो हरियाणा में कह रहे थे हमारे साथी की ग्रोथ नहीं करेगी सोलह परसेंटेज पे उनका भी नाम आ रहा है तो ये एक अच्छा अपडेट है आम आदमी पार्टी के लिए लेकिन वर्तमान परिवेश में जो है खट्टर साहब दिख रहे हैं जी तो लक्ष्य जी

जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि जिसकी नीति साफ हो नेता जिसके पास हो उनके वर्कर उनकी पार्टी कभी नहीं मरती हमारा लीडर ऐसा है होनार नेता है युवाओं के नेता है जैसे कि पहले जो इलेक्शन था उससे पहले लोग बहुत कुछ कहा करते थे खास करके मेरे नलो वाले साथी हमारे खिलाफ बहुत कहा करते थे लेकिन आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने थोड़े से कम समय के अंदर ये हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है दुष्यंत चौटाला जी को डिप्टी सीएम सीएम बनाकर हरियाणा प्रदेश का तो हालात उसमें उसमें दुष्यंत चौटाला का कौन सा रोल है भाई हालात ऐसे हो गए की किस्मत अच्छी थी किस्मत किस्मत वोटों पर किस्मत इन नलो की अच्छी क्यों नहीं हुई आपकी बात भी बड़ी कर देता हूँ पब्लिक ने पब्लिक ने नहीं बनाया ये याद रखिएगा पब्लिक पब्लिक ने Public के के ने नहीं बनाया देखो हरियाणा तो प्रदेश के खिलाफ वोट हरियाणा प्रदेश की जनता ने हाँ। हमारे दस एम एल ए दिए उसकी बदौलत हाँ। हाँ। हमने बीजेपी का लड़ा क्योंकि बीजेपी सरकार आंकड़ों से बनती है आंकड़ों से बन तो की हाँ। देखो, हमने बीजेपी के सामने इलेक्शन लड़ा था लेकिन सरकम ऐसे बने हरियाणा प्रदेश के हाँ। कि हमने हाँ। और बीजेपी ने और जेजेपी ने मिलकर जो गठबंधन की सरकार है वो चल रही है आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के साथ दस एम जो है वो उसके साथ चल रही है जी आईएनएलडी अब हो गया तीन साल है ना पार्टी टूटी थी उस वक्त आईएनएलडी का जो कोर वोटर था वो जे, जे, जे पी में शिफ्ट हो गया आपकी तरफ शिफ्ट हो रहा है लेकिन वो स्पीड नहीं दिख रही है जिस स्पीड में 2024 आते आते आप जो है सो लक्ष्य तक पहुंच पाए देखिए ऐसा है कि हमें तो अपनी स्पीड नजर आ रही है और हमारी स्पीड बड़ी अच्छी चल रही है लेकिन आज जैसे जेजेपी या बीजेपी की बात करें तो जो उनके कार्यकर्ता उनके वर्कर उनसे दुखी हैं वो इस कारण से नहीं आ रहे कि आज सरकार को तीन साल ही पूरे होने जा रहे हैं दो साल और हैं और सरकार जो एक लॉलीपॉप दिखा रही है उस लॉलीपॉप को देखते हुए आज बहुत सारे कार्यकर्ता अपने काम के लालच में वहां बैठे हैं नहीं तो आने वाले समय में इलेक्शनों में ये नतीजे डिस्कस होंगे कांग्रेस अब तो भूपेन्द्र सिंह हुडा जब हमने सर्वे शुरू किया तो ऑलमोस्ट कमान मिल चुका था तो अगर फतेहाबाद में बीजेपी से इतनी नाराजगी है तो ये भूपेन्द्र सिंह हुडा एक ही नाम था

अक्टूबर में तो तीन साल पूरे हो जाएंगे आ, तीन तीन साल साल दो ही साल, है। दो ही साल मान के चले आप लेकिन जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि आज हमारे पास जितना भी समय फतेहवाद के लोगों की जो फितरत है यहाँ पर जितना सरकार की हिस्सेदारी है उसके अपेक्षा अगर आप बात करेंगे तो केवल इकतीस फीसद लोग ही खट्टर साहब को जो है अपना चीफ मिनिस्टर बनाए अरे तो फिर सेवेंटी इस, इस बात का जवाब का चुनाव होगा वी हम जो इसमें एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आने हाँ, वाले फतेहाबाद इस, इस है हाँ, तो ना बीजेपी वर्सेस जेजेपी का हिसाब किताब और कांग्रेस अब बढ़ रही है आगे इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं ठीक है ना पुराने हालात बदल रहे हैं कमान मिल गया भूपेंद्र सिंह हुडा को तो जो इन फाइटिंग्स थी वो मतलब चाहे तो जल में रह के मगरमच्छ से बैर वाली स्थिति रहेगी नहीं मतलब मैं क्या बोलूं ये 19 परसेंट आ रहे हैं दुष्यंत चौटाला देखिए अगर दुष्यंत नहीं होते तो ये आपका जो 31 परसेंट है आंकड़ा क्या वो बढ़ जाता अब इस बार ये दुष्यंत चौटाला आपके रास्ते में स्पीड ब्रेकर है इस प्रकार का कोई मामला नहीं है भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का गठबंधन बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है जैसा कि अभी हमने निकाय चुनाव के अंदर भी देखा कि दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लिया सर उसके बाद आपकी बात को और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जैसा की आपने बात रखी कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल इलेक्शन तो वोट बैंक ऑटोमेटिक हमारी तरफ शिफ्ट होता है जिसमें एक तरफा सरकार बनती है उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और उसके बाद सेकेंडरी जो आपने पॉइंट उठाया ऐसा कोई विषय नहीं कि कल कोई गठबंधन में कोई दरार है हमारा कंटिन्यू गठबंधन दो तक रहेगा और नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं सर क्या बात करते हैं पहले बाहर कर दिया फिर बाद में अंदर किया देखिए सर बाहर देखिए मुस्कुरा रहे हाँ या ना नहीं, नहीं किया था कई मर्तबा कोई बात कोई इंटरनल इंटरनल मतलब सबसे 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 होशियार आप सबसे बेवकूफ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ये नेता अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं और जनता को मूर्ख समझते हैं कोई बात नहीं है हर पांच साल पे अपना भी टाइम आता है एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद फॉरन हाजिर होंगे और इसके बाद जो आंकड़े आएंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम पब्लिक थर्मामीटर एक ऐसा सियासी शो जो लोगों की धड़कने लगातार बढ़ा रहा है और आज अगर चुनाव हो जाए तो तस्वीर कैसी बन सकती है बनेगी कि नहीं बनेगी पता नहीं हमारा वाला तो वो है जो मास्टर साहब क्लास में क्लास टेस्ट लेते हैं बाकी असली वाला तो चुनाव आयोग कराता है बहरहाल एक मूड समझने में जरूर सहूलियत मिलती है और साथ ही साथ मैं ये भी अक्सर कहता हूँ कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट में कई बार फैसला आखिरी गेंद पे भी होता है जैसे टोहाना में पिछली बार हुआ रातों रात टिकट मिला और वो जीत गए और जीत भी ऐसे गए कि वो मंत्री भी बन गए अब मंत्री कैसे बने ये आप सोचते रहिए हमसे ज़्यादा तो होशियार आप ही लोग हैं बहरहाल हम अपने अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। ध्यान सर्वे में हमारा सवाल था अगर आज चुनाव हुए तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे इस सवाल के जवाब में जो रुझान सामने आए उसके मुताबिक फतेहाबाद जिले में बीजेपी को 28 से बत्तीस फीसदी वोट मिलने की संभावना है वही जेजेपी के खाते में 28 से 32 फीसदी वोट जा सकते हैं लेकिन कांग्रेस को मिलने वाले वोट प्रतिशत की संभावना 21 से 25 हो सकती है आई को 1 से 5 फीसद मत मिल सकते हैं वही आम आदमी पार्टी की झोली में 4 से 8 फीसदी वोट जा सकते हैं अन्य के खाते में 1 से 5 प्रतिशत वोट मिलने की संभावना है तो 5 प्रतिशत लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी चलिए तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और जरा इन आंकड़ों पर नजर रखने के साथ साथ इन रुझानों पर पिछले चुनाव के वोट परसेंटेज पर भी एक नज़र डाल लीजिए बीजेपी को 35 परसेंट वोट मिले थे और सीटें मिली थी दो जे को 39 नाइन परसेंट उनचालीस प्रतिशत वोट मिले थे इस जिले में तीनों हलकों को मिलाकर सीट मिली थी एक कांग्रेस को 18 फीसदी वोट मिले थे एक भी सीट नहीं मिली एक सीट पर नंबर दो पोजीशन पर थी। आई थी आईएनएलडी को एक परसेंट वोट मिला था आपको एक परसेंट से कम ही वोट मिला था अन्य के खाते में तीन परसेंट था और पॉइंट फाइव आधे परसेंट के करीब नोटा के वोट थे अब इस बार जो पहले आंकड़े आए कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आपकी पसंद पहली पसंद कौन है उसमें गौर फरमाइए अरविंद केजरीवाल को लोग 16 परसेंट कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं और हमारे हमारे हमारी पहली पसंद होंगे लेकिन जब वोट देने की बात आई तो चार से आठ परसेंट यानी कि आधे पे आगे जो लोग मुख्यमंत्री के तौर पे अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं वो नीचे जाते जाते वोट दूसरे को दे रहे हैं उनको नहीं दे रहे एक एक तो मसला ये है दूसरा 39 परसेंट वोट पिछली बार जेजेपी को था और जेजेपी को एक बड़े वोट नुकसान वोट प्रतिशत यानी वोटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है बीजेपी को भी थोड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस को यहां पर उसके वोट शेयर में इजाफा है आम आदमी पार्टी आईएनएलडी और ये सब आप अभी जो फिलहाल है वो उस तरीके से इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन मुझे लगा कि इन दो आंकड़ों की चर्चा करना चर्चा के लिए बहुत जरूरी है और इनको समझना भी होगा सबसे पहले हरदीप ये एक बैकग्राउंड छोटा सा मैंने आपको पहले बता दिया इसमें सर यही है कि परसेंटेज जैसे आपने बताया जे जेपी गठबंधन की जैसे भी विकास की बातें चल रही थी परसेंटेज दोनों पार्टियों का घटा है अब वो ढाई साल दो साल का जो समय शेष रहेगा अक्टूबर के बाद उसमें और कितना घटेगा ये ज्यादा मायने रखता है जी और रही बात कांग्रेस की तो कांग्रेस का जैसे बड़ा है ये उसको जो एक अब तो चलो हर पार्टी में गुटबाजी के, के तौर पे 16 परसेंट वोट मिल रहा था जी जी। लेकिन जब आप, ये पूछा कि आप किसको वोट देंगे वो चार से आठ घसक गया यानी फिफ्टी परसेंट वैसे ऊपर का वोट तो हम देंगे मोदी जी को नीचे का विचार करेंगे नीचे का विचार करेंगे जी से शुरू कर लो आपसे ही शुरू कर लेता हूँ जी सर ना पिछली बार 35 था आपको उनचालीस था जे को और लड़ाई मुख्य तौर पर है ना फतेहाबाद में आप दोनों के बीच में ठीक है भजन गाने तो कोई नहीं आया ना यहां। दिद्धु सब पॉलिटिकल पार्टी है सबका अपना एक पॉलिटिकल थॉट है और उस विचारधारा को आप तभी लागू कर सकते हैं जब आप सरकार में आए तो इसमें कोई मतलब कोई बहुत आश्चर्य की बात या कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं है ये कितना भारी पड़ेगा इस बात का ये है सर जिस तरीके से अभी जो जनता जनार्दन का रोजाना जनता पार्टी 28 से 32 परसेंट और उसी प्रकार से हमारी सहयोगी पार्टी जेजेपी है वो भी आ, 28 आ, से 32 परसेंट, जो पिछले तीन साल के कार्यकाल है उसमें दो साल का हमारा जो टाइम पीरियड था वो कोरोना काल में बीत गया जिसकी वजह से विकास कार्यो की गति काफी हद तक रुकी हुई थी पिछले एक साल के अंदर विकास कार्यो की गति है वो काफी तेज हुई है और धीरे धीरे हमारे विकास कार्यो की गति बिल्कुल पूर्ण रूप से जिस तरीके से कंटिन्यू हम लगे हुए हैं चाहे हमारे 200 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है और उन सब चीजों को लेके हम बढ़िया से बढ़िया बढ़िया से बढ़िया बढ़िया हाँ। से बन चुका है बन चुका है जी बन चुका है दो सौ बेड का हॉस्पिटल सेक्टर नौ के अंदर बन चुका है अलग चीज है ये एक वो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भाजपा की तरफ से एक मिनट एक मिनट और फिर मेडिकल कॉलेज सर मेडिकल कॉलेज का जिक्र करना चाहूंगा माननीय हमारे विधायक जी स्थानीय गठबंधन के जिनको चेयरमैन भी बनवाया अभी अभी एक डिबेट में वो कह रहे थे कि मैं फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेज ले आए मेडिकल कॉलेज लेके आए और बड़ा डंडोरा पीटा गया नगर निकाय चुनाव में भी और अब पता लगा कि वो मेडिकल कॉलेज पत्रकार के इस, हाथ से निकल चुका है इस बात का मैं क्लियर जवाब देता हूं क्योंकि वक्त साफ कह रहे थे को, कोई नकली बोर्ड नहीं लगाया गया जब ये जो दोनों डिपार्टमेंटों के बीच उडा डिपार्टमेंट और जो अपने स्वास्थ्य विभाग उनके बीच टायप हुआ लेकिन जब बात आई पेमेंट की तो पांच करोड़ रुपए पर एकड़ एक के हिसाब से जो स्वास्थ्य विभाग है उसने मना कर दिया कि इससे कम डाउन पेमेंट रिजल्टल कॉलेज गया नहीं गया जल्दी से संक्षेप में संक्षेप में जिस तरह मेडिकल कॉलेज की बात मेरे भाई ने हरदीप ने कही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक है पहुंच चुके अभी का भविष्य का देख लेंगे सर में उसके अंदर अरे दो हजार दो हजार एक मिनट दो हजार छत्तीस का दो हजार अड़तालीस का देख लेंगे सर हम नहीं देखेंगे अभी काबली देखी जा रही है ठीक है विद इन वन मंथर बबली बब्ली

जिले की तीन विधानसभा सीटों में से बीजेपी को एक सीट मिलने की संभावना है फतेहाबाद के लोग के रुझान के मुताबिक जेजेपी के खाते में एक सीट जा सकती है कांग्रेस की झोली में भी एक सीट जाने की संभावना है तो जिले में आईएनएलडी को अभी और तैयारी करनी होगी सर्वे के रुझान के मुताबिक फतेहाबाद में आम आदमी पार्टी को खाता खोलने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है अन्य के लिए भी संभावना कम है चलिए तो ये एक और अनुमान है हमारा आखिरी अनुमान कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो स्थिति क्या है एक एक, एक यानी बीजेपी को एक सीट का नुकसान कांग्रेस को एक सीट का फायदा जेजेपी की तस लेकिन हम जानबूझकर के ये नहीं बताते हैं यहाँ जो मेहमान है ये भी हमसे पूछना चाहेंगे ये कौन सा हल्का है और वो मैं पहले ही बता देता हूं कि हम हल्का नहीं बताएंगे सब लोग मेहनत करते रहिए यानी फतेहाबाद में टेग ऑफ वॉर यानी कि बहुत कड़ा संघर्ष और बहुत कड़ा मुकाबला आगे देखने को मिलेगा आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए ये दोनों चीजें आ गई बहुत क्विक रिएक्शन बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग इसमें एक चीज देखने को मिली है साहब पैंतीस फीसद वोट बीजेपी को मिले बतौर मुख्यमंत्री जो है इकतीस फीसद लोगों ने खट्टर साहब को चाहा और जो अगर हम एवरेज करें 28 से बत्तीस का तो तीस तो जेजेपी को मिले पिछली बारी चुनाव में। जो की, अगर हम बतौर स्टीफ मिनिस्टर की बात करें, फीसद ने उनको चुना और ये भी तीस फीसद पर आके रह गया जैसे कि मैंने आपको कहा कि अभी एक डायरेक्शन एक यूनी डायरेक्शनल पार्टी अभी कांग्रेस एक तरफ बढ़ रही है सेनापति की नियुक्ति हुई है और आप देखेंगे कि अठारह फीसद से अगर मैं एवरेज आउट भी करूं इक्कीस से

मैं आई के पक्ष में सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा कि हमें बहुत भारी नुकसान हुआ आज से तीन साल पहले और हमने एक तरीके से शून्य से शुरू किया और हम एक एक आ... तरीके से क्या से क्या शून्य ही किया चलो आपकी बात मान और धीरे 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 आज बढ़त की ओर चल रही है पार्टी हमारी पार्टी के नेतृत्व चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अभी फिलहाल पूरे हरियाणा के दौरे कर करके आए हैं और सारी जगह जो जन समर्थन हमें मिल रहा है जिस प्रकार से लोग वापस पार्टी की ओर अपना पक्ष रख रहे हैं आ रहे हैं उससे मुझे लगता है 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 कि मैं आपके आंकड़ों के साथ शायद ना जाऊं ठीक आम आम आदमी आदमी पार्टी पार्टी जैसे जैसे पंजाब में नए काम कर रही मतलब अरविंद केजरीवाल को तो लोग कह देते हैं कि हाँ ठीक है मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद है लेकिन जब पार्टी को वोट देने की बात आती है वो साफ हो जाता है जाएगी धरातल पर संगठन बनने में समय लगता है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब में और दिल्ली में लगातार काम करती जाएगी उस तरीके से यहाँ संगठन बढ़ता जा रहा है और थोड़ा सा साल भर के बाद में लोग आने शुरू हो जाएंगे शुरू हो जाएगा दूसरी पार्टियों से बीजेपी देखिए शशि जी संगठन की बात मेरे साथी मेरे अजीज गिल्ला खेड़ा जी ने बताई इनका संगठन कहाँ है इनके पास तो कुछ है नहीं इनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है इनका हल्का प्रधान नहीं है इनका ब्लॉक नहीं नहीं। सुनने एक एक दूसरी, हाँ। दूसरी तो से स्टार्ट तो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी हुए थे जो उन्नीस एम और पार्टी का डंडा और झंडा छोड़कर वहां आए थे और थोड़े से समय के अंदर हरियाणा प्रदेश की जनता ने उस अजीज को इस हरियाणा प्रदेश का मुखिया बनाकर उप मुख्यमंत्री और हरियाणा बात रही ज्वाइनिंग की जैसे कल प्रोग्राम शायद आपने देखा हुआ आपके चैनल पर भी चल रहा था मैं देख रहा था फरीदाबाद के अंदर ज्वाइनिंग चल रही थी फरीदाबाद के अंदर प्रोग्राम हो रहे थे प्रोग्राम उसको कहते हैं शशि जी एक क्विक एंड फाइनल रिएक्शन ये आपने आंकड़ा देख लिया आंकड़े सर जो सीटें आपने दिखाई है अब सीटों का तो देखिए ये वर्तमान स्थिति है वर्तमान स्थिति ये है कि और पिछली बार भी ऐसा ही था अगर टिकटों का हमारे सम्मानित आनंदवीर जी बैठे है वितरण ठीक से होता तो जेजेपी जो, जो विधायक अपने है, शायद वो इनके न होते जो कांग्रेस के पास ठीक है कांग्रेस और अब जो विधायक जेजेपी का एक दिखा रहे हैं हो सकता है भविष्य में ये उथल पुथल हो तो ये एक सीट भी शायद न तो एक ना है तो ये, काफी ये क्योंकि अभी तक काफी जो विधायक है तैयारी में है आगा। 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 हाँ भाई हम लोग ने सुना था कि दे दे। बबली तो जो है सो कांग्रेस से कांग्रेस से लड़ रहे डिले हुआ संगठन आजा मेरी गाड़ी में बैठ ये ले चापी चापी और उधर जो है सो सुधर आला जी का बेड़ा गर्ग तो मतलब हाँ बात तो इंटरेस्टिंग है जिला छोटा है जैसा मैंने शुरू में कहा हल्के तीन नेता तैतीस जी जी। मतलब परेशानी का कारण भी है के लिए। के बात कर रहे हैं, तो yeah. एक सर yeah. दस यूथ का नारा था yeah. अब सरकार आने के बाद इनका नारा बदल गया एक बूथ एक यूथ अच्छा तो मतलब क्या दस नहीं मिल रहे सिर्फ एक ही ढूंढना पड़ रहा है जो बार बार कह रहा हूँ कि जिस जिसके पास नेता हो, होते हैं ना वो पार्टी डूबती नहीं जिनके नेता अच्छे होते हैं जिनकी नीति साफ होती है हमारी पार्टी आदरणीय चौधरी जी के पर चलने वाली पार्टी है और हमारा नेता बहुत सक्षम नेता ठीक है ये सर बहुत सुनते रहते हैं हम लोग अभी स्टूडियो में भी, भी आके यही वाला रैली वाला भाषण देंगे सच्चाई क्या मतलब है इन तमाम रुझानों के अलावा एक एजेंडा और है और वो एजेंडा है हमारे आने वाली पीढ़ियों से जुड़ी हुई और वो है नशा मुझे बड़ा संक्षेप में बताइएगा सर ये मसला ऐसा है नहीं जिसमें आप बहुत भाषण दें मुझे व्यक्तिगत तौर पे बताइए कि फतेहाबाद आप पूरे हरियाणा को छोड़ दीजिए सिर्फ फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में व्यक्तिगत तौर पे आप और आपको सब लोग सुन रहे हैं है ना और बाद में मैं ये काट काट के चलाऊंगा भी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पार्टी पॉलिटिक्स जो करना है कर लीजिए सरकार आई गई व्यक्तिगत तौर पर नशा के खिलाफ आप क्या करेंगे कोई है मन में विचार या सिर्फ टीवी अखबार में भाषण देना कोई कह दिया तो कुछ कर देना या उसके बारे में कोई रोडमैप रो, रोडमैप रोडमैप तैयार है मुझे पॉइंटर्स बताइए बता रहा हूँ सर हाँ। हमारी हरियाणा सरकार की गवर्नमेंट ने आदरणीय एडीजीपी महोदय श्रीकांत यादव जी उनको स्पेशल नशा रोकने के लिए पूरे स्टेट आप सब लोग सुनिएगा मैं, मैं इन सबों से पूछ रहा हूँ मैं इन सबों से पूछ रहा हूँ कि नशा के खिलाफ आपके दिमाग में रोड मैप है है ना सरकार और फलाना और डिकाना वो छोड़ दीजिएगा और इन लोगों को गौर से सुनिएगा जी बताइए श्रीकांत यादव जी को पूरे स्टेट की जिम्मेदारी दी गई है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्लॉक लेवल पे एक एक्सपेसिफेटिक्स एक की टीम तैयार करके और नशे मुक्त को मेरा सवाल, मेरा सवाल आपने सर नहीं समझा ऑल ड्यू रिस्पेक्ट माफी मांगते हुए कहता हूं क्या आपके जहन में कोई रोड मैप है, है. रोड मैप है सर रोड मैप बताया जो गवर्नमेंट ने कर दिया है। आपका व्यक्तिगत आपका व्यक्तिगत क्या है सर जी सर हम आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है कैसे दूर कर सकते हैं तीस सेकंड है सर समय सर व्यक्तिगत तौर पे प्रशासन और आमजन दोनों के सहयोग से ही नशा को नशा मुक्ति हो सकती है नशे को दूर किया जा सकता है जिसमें कोई भी सत्ता पक्ष या विपक्ष का विषय नहीं आता है सभी दलों को सभी लोगों को आपस में मिलजुल के कोऑपरेट करेंगे तभी नशा मुक्ति से हो पाएगी बस सर मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ और पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट है भाषण देना रैली में बोलना और अगर नेता है सही तो आपके दिमाग में क्या रोड मैप है मुझे चार पॉइंट बताइए कि आप के हाथ में ये ताकत दी जाए तो आप क्या करेंगे बिल्कुल जी जैसे फतेहाबाद सिरसा इसमें मैं नशे की बात ना करूं राज... बाकी तो सर्वे और दुनिया जान चलाते रही आने वाली पीढ़ियां नहीं रही तो ये सब करके क्या करके करेंगे, करेंगे? राजनीति से ऊपर उठ के मैं बात करना चाहूंगा कि अगर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सबसे बड़ा कारण जो अपॉर्चुनिटी क्यों मिलती है मेरा आप एक नागरिक है वहां के बिल्कुल आपको अपॉर्चुनिटी क्या प्रधानमंत्री बना दिया जाए या राष्ट्रपति बना देगा तभी आप कुछ करेंगे अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है तो मेरे दिमाग में जो अफसर मैं आप कहा रहते हैं फतेहाबाद में रहते हैं आप फतेहाबाद में रहते हैं आप सरकार में हैं कि नहीं है इससे क्या फर्क पड़ता है व्यक्तिगत तौर पर आप पॉलिटिक्स करते हैं लोगों लोगों के यहाँ गमी में जाते हैं शादी में जाते हैं सामाजिक कार्य करते हैं आप क्या करेंगे सर व्यक्तिगत तौर पर मुझे बताइए मेरा मानना है कि जी रूरलाइजेशन जैसे अक्सर सरकारें अर्बनाइजेशन पर ध्यान देती है मेरा मानना है जैसे गांधी जी कहते थे स्मॉल इज ब्यूटीफुल आज हमारे इलाके में जो कि बहुत ही ज्यादा समृद्ध था उस इलाके में नशे की एंट्री होने का जो मुख्य कारण है वो जॉबलेसनेस है और एजुकेशन का गिरता स्तर है अगर मेर, अगर मेरी तरफ से मेरे नजरिए से अगर आप देखेंगे तो मैं चाहता हूं कि हमारे वहां पे एजुकेशन के स्तर की इंप्रूवमेंट करी जाए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी जाए जैसे छोटी इंडस्ट्रीज स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस ली जाए एग्रो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लाई जाए ताकि जो भटकता युवा है जी। उसको कोई ना कोई अवसर जो है मिला मिले और वो जॉब की तरफ बढ़े आज नशे को बेचने को केवल जॉब्स नहीं होने के कारण आज वो मजबूर है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इलाके में और एजुकेशन के अभाव के कारण अवेयरनेस के बाद ये, ये पहली बात तो राजनीतिक मुद्दा नहीं सामाजिक मुद्दा है हम सबको सामाजिक तौर पे इस मुद्दे को जड़ से खत्म करना पड़ेगा और जैसे कि मेरे तो हो गया सर रैली वाला भाषण नहीं जैसे मेरे साथी कांग्रेस के साथी ने कहा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड है आज सरकार की विफलता है कि कानून व्यवस्था नहीं है एजुकेशन नहीं है मेरे तो अगर मेरा पर्सनल पॉइंट पूछेंगे तो मैं अपनी पार्टी की ओर से हमने टोहाना के अंदर आज से तकरीबन तक छह साल पहले नशा मुक्ति को लेके एक पूरी यात्रा निकाली थी और उसमें हमें बड़ा अच्छा जन समर्थन मिला लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से उन चीजों को समझा वो तो आपने पॉलिटिक्स किया सर नहीं पॉलिटिक्स नहीं किया आम आदमी पार्टी उसमें हमें लोगों का जन समर्थन बताता हूं सर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जो हमने देखा ग्राउंड पे पुलिस प्रशासन सरकारों के लोगों की शह से नशा फैलता है इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी जुम्मारी हमारी भी बनती है कि हम नशे को खत्म करें लेकिन सरकार उसके ऊपर लगी हुई है उसके अलावा जैसे मेरा भाई है हरदीप जी ये एक संस्था चलाते हैं सामाजिक कार्यकर्ता है हम सब मिलकर अगर इसके पीछे पड़ेंगे नशे के तो मैं समझता हूँ कि ये नशा अंदर नहीं रहेगा मैंने इन पांच नेताओं से एक सवाल किया था आपने भी सुना हमने सवाल किया था कि व्यक्तिगत तौर पर आप क्या करेंगे मैं बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करता रहा कि इनका जवाब क्या होगा मैं जो कहता हूँ कि बड़े मसले पे ये एस वाई एल पे चंडीगढ़ पे अभी आप कह दीजिए राहुल गांधी सोनिया गांधी केजरीवाल उस पर देखिएगा फिर बहस कितनी तगड़ी होगी आपको भी बड़ा मज़ा आएगा कि स्टूडियो में पाँच मुर्गा बैठा दिया और लड़ा दिया जो आम टी शोज में होता है लेकिन तो जब मैंने ये पूछा कि व्यक्तिगत तौर पे आप क्या करेंगे तो किस इन मैं बड़ा माफी के साथ और बहुत अदब के साथ सर झुकाकर आप लोगों के सामने मैं ये कहता हूँ कि इनमें से किसी एक ने यह नहीं कहा कि भाई मैं जो नशा में गिरफ्त में लोग हैं हम दो ही लोगों को दो ही बच्चों को उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हम दो महीने तीन महीने पे ही एक छोटा सा कैंप लगा कर करके हम मोहल्ले में लोगों को शिक्षित करेंगे या जो नशा छोड़ना चाहते हैं हम उनकी मदद करेंगे ये फ़र्क होता है भाषण में नेतागिरी में और सही में जमीन पे काम करने मेरे दिमाग में यह सवाल ये प्रोग्राम शुरू होने के पहले ही आ चुका था कि आखिरी में मैं जरूर यह पूछूंगा कि आपके दिमाग में कोई रोड मैप रोड मैप का मतलब होता है कोई योजना है क्या रोजगार देंगे वो सब ठीक है सर बड़ा है शुरुआत एक छोटी होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए सर दो ही लोगों को सुधार दीजिए एक साक्षरता अभियान को चल लेकर के चला था एक जमाने में कि दो ही बच्चे को पढ़ा दीजिए उसी का ट्यूशन फी दे दीजिए बहुत बड़ा काम कर देंगे तो सर ये मैं जवाब आप लोगों के तरफ से ये उम्मीद कर रहा था क्योंकि आप सभी लोग पॉलिटिक्स में हैं सभी लोग लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और मेरी दिल से गुजारिश है कि जब आप जाइए तो सर अपने जेब से ही सही साल में एक ही कैंप लगाइए एक ही बच्चे को आप मेन धारा में ले आइए बिना ढिंड पीटे हुए उससे बड़ी कामयाबी कुछ हो ही नहीं सकती है आखिरी कमेंट सर बड़ा सुअवसर मिला आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक मेरी बात पूछाने का और सरकार के प्रतिनिधि भी दोनों बैठे हैं नशे के ऊपर जहाँ तक हमने पहले भी इनसे मांग की थी और बकायदा सीएम साहब तक की नॉलेज में फाइल भी मां पड़ी है कि सबसे पहले तो हर तरह का कानून बना दिया जाता है तो नशे के ऊपर जो केमिकल नशा जो लगातार बढ़ रहा है वो जो ग्राम का एक जो खेल है उस ग्राम के खेल को ख़त्म करके जमानत रद्द होनी चाहिए जैसे संगीता कालिया जी का जिक्र हुआ था उन्होंने कम पकड़ते हैं और छोड़ दिए जाते हैं वो कानून बना के ग्राम का जो खेल है वो बंद हो के जो केमिकल नशा बेचता है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए उसको कानून बना के भी जमानत नहीं होगी दूसरा जो है सर कि जो प्रॉपर्टी वो बनाते हैं एक मजदूर है जिसके पास खाने का कोई एक साल पहले कुछ नहीं है, और वो चिट्टे का नशा बेचकर कर एक साल बाद कोठी खड़ी कर लेता है सबकी नॉलेज में है उसकी प्रॉपर्टी जैसे कोई प्रतिनिधि है वो बताता है तो उसकी वो प्रॉपर्टी अटैच होनी चाहिए दूसरा जो प्रतिनिधि कोई प्रतिनिधि चाहे वो एमसीए, है चेयरमैन है चाहे कोई भी हमने शपथ पत्र दिया था अभी कि भी जो प्रतिनिधि किसी की जमानत लेता है तो उसका जो ऐसा कोई पाया जाता है दोषी चिट्टे के तस्कर की वो दोषी है और उसकी कोई जमानत लेता है तो उसकी सदस्यता रद्द करने की एक चेतावनी लेटर दिया जाना चाहिए तीसरा जो था कि जो नशे क्योंकि अब ये हमारे फतेहाबाद में पहले ऐसा नहीं होता था कि लाशें मिले अब जो है कि लाशें जो है सर कहीं गाड़ी में पड़ी मिली है कहीं बाथरूम में टिक्का लगी मिली है तो ये लाशों ओवर्डोज, खेल, ओवर्डोज, ओवर्डोज ओवर्डोज का डोज ओवरडोज ओवरडोज का हमने अपने स्तर पे मैं बच्चों से मिलता हूँ गाड़ियों में आज ऐसा नहीं है क्योंकि बस्तियों का वहाँ पे गाड़ियों में शाम के स्कूल का अकेडमी के बच्चे जो टिक्का लगाते हैं उनको धमकाते हैं लेकिन वो पेशेंट है उन जैसा आपने ठीक कहा कि उनको ठीक करने की जिम्मेदारी समाज की बनती है तो सभी जो मेरे साथी बैठे हैं राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर एक चलाएं। मैं कहता हूं कि दो दो लोग को ही ले, हाँ ले ना, सिर्फ दो लोग एक ही आदमी को जी जी। एक ही जो जो ड्रग्स का शिकार हो गया आप मेहनत करके उनको वापस ले आइए ज्यादा मत कीजिए एक ही की ले आइए सर सब लोग अगर एक एक करने लगे सौ लोग लग जाए तो सौ बच्चे तो वापस आ जाएंगे और सौ का हजार पर इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत बहुत शुक्रिया और एक छोटा सा नमूना था सर नेतागिरी और असली काम समाज सेवा दोनों में बड़ा फ़र्क होता है इस फर्क को लोकतंत्र का असली मालिक जब तक समझेगा नहीं तब तक हमारी नस्लें यूं ही नशे का शिकार होती रहेंगी ये अब आपको और हमें मिलकर के तय करना है कि हम अपना भविष्य कैसा चाहते हैं हमारा काम तो बस आईना दिखाना है कड़वा लगे तो भी मीठा लगे तो भी बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार